हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं गुजराती व्हाइट करी बनाने के लिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 200 ग्राम दही ले लिए हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच बेसन डालेंगे और इसको हम फिर अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट नीचे डालेंगे। जैसे यहाँ पे पेस्ट बन गया, अब इसमें हम पानी और डालेंगे। बहुत गाढ़ा है ये, 1 कप के उतना पानी इसमें डालिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये भूल बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच शक्कर, आधा चम्मच नमक। गैस ऑन कर लेंगे। गैस ऑन होने के बाद इसको रख देंगे और इसको जब तक चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, नहीं तो ये करीब फट जाएगा दोस्तों। तो इसको हिलाते रहना है, जब तक इसमें उबाल नहीं आता है तब तक हिलाते रहेंगे उसको। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बनिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, करी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है और इसको पकाना है अभी। इसको आप नहीं हिलाएंगे तभी चलेगा, लेकिन इसको धीमे गैस पर और इसको 10 मिनट पकाना है अच्छे से। अभी काफ़ी पतला है तो थोड़ा और गाढ़ा होना है करी। यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम तड़का मारेंगे। तो यहाँ पे हम घी डालेंगे 2 चम्मच, यहाँ पे मेथी डालेंगे हम, इसमें राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, इसके बाद करिया पत्ता डालेंगे। इसके बाद गैस बंद कर देंगे, इसको ठंडा हो देने के 1-2 मिनट। तो यहाँ पे हमारा करी बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे खट्टा मीठा टाइप में रहता है दोस्तों। ये गुजराती करी है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। गुजराती लोग ज़्यादा खाता है, हम यूपी बिहार वाले बहुत कम खाते हैं ऐसा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तुरंत न्यू वीडियो में, जब तक बने रहिए आप लोग।